दोस्तों, बचपन में रामायण तो हर किसी ने देखा होगा और लॉकडाउन में भी ये सीरियल आज तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीरियल था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर आज भी ऐसे कई सबूत हैं, ऐसी कई जगहें हैं जिससे ये पता चलता है कि सच में रामायण की कथा हमारी धरती पर गठित हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सबूतों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, दोस्तों रामायण की ये बात तो आपको याद ही होगी, जब हनुमान जी सीता माता की खोज करने लगे और वो खोजते खोजते श्रीलंका पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें किसी कारण अपना विशाल रूप धारण करना पड़ा और इस वजह से उनके पैरों के निशान वहां पत्थर पर जम गए। अब कई लोग तो इसका यकीन नहीं करते, लेकिन आपको बता दें कि श्रीलंका में आज भी चट्टानी पत्थरों पर वहाँ हनुमान जी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। नंबर टू, दोस्तों रामायण के हिसाब से जब सीता माता का हरण हुआ तब सीता माता की खोज शुरू हो गई और इसी बीच राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई और हनुमान जी हर रोज श्री राम की एक जगह पर प्रतीक्षा किया करते थे और आज उसी जगह को हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है, जहां पर हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। नंबर तीन, दोस्तों जब रावण सीता माता को लंका में लेकर गया तब अशोक वाटिका से पहले रावण सीता माता को एक गुफा में लेकर गया और आज भी वो गुफा वहीं पर मौजूद है, जो कि दिखने में सांप की तरह ही दिखाई देती है। और जब आप गुफा में जाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि रामायण की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं थी। नंबर चार, जब श्री राम को सीता जी का पता चला कि वो कहां पर कैद हैं, तो वो हनुमान जी और बाकी सेना के साथ श्रीलंका के रास्ते निकल पड़े, लेकिन वो बीच में विशाल समुन्दर को देखकर वहीं पर रुक गए। अब इसके बाद उनकी सेना ने चट्टानी पत्थरों पर राम जी का नाम लिखा और उसे पानी में फेंकने लगे। पत्थर पानी में तैर रहे थे और इसके बाद उनकी सेना ने श्रीलंका तक पुल बनाया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। नंबर पाँच, जिन पत्थरों से राम सेतु पुल का निर्माण हुआ वो पत्थर आज भी वहीं पर मौजूद है और जब इन पत्थरों पर रिसर्च करी गई तो पता चला कि ये पत्थर रामायण युग के ही पत्थर हैं। रामायण में वैसे दोस्तों आपने ये भी पढ़ा होगा कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और उस वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए और वो पूरा का पूरा पहाड़ी उठाकर ले आए थे। नंबर छः, दोस्तों जो संजीवनी बूटी का पहाड़ हनुमान जी श्रीलंका लेकर गए, जो कि एक बहुत ही विशाल पहाड़ था और उसे आज द्रोणागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है, आज भी वो श्रीलंका में ही मौजूद है। और तो और दोस्तों, जब साइंटिस्ट ने इस पहाड़ पर रिसर्च करी तो उस पहाड़ पर वही जड़ी बूटियां हैं जो कि सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती हैं और इस बात से रिसर्चर्स भी हैरान हैं। नंबर सात, दोस्तों जब रावण सीता माता को हरण करके ले जा रहे थे तभी जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश करी और वो अपनी इस कोशिश में सफल ना हो पाया और रावण ने जटायु को मार गिराया और जटायु जहाँ पर गिरे थे आज उस जगह को लिपाक्षी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे सबूत हैं जो कि आपको बताएंगे कि सच में जटायु इसी जगह पर गिरे थे। नंबर आठ, दोस्तों जब रावण सीता माता को हरण करके ले गया तो वो अपनी लंका में ले जाना चाहता था, लेकिन सीता माता ने महल में जाने से मना कर दिया और इसीलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला किया, जहां पर सीता माता एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। लेकिन दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे कि अशोक वाटिका का वो वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। नंबर नौ, दोस्तों कहा जाता है कि रावण अपनी लंका की सुरक्षा बड़े बड़े हाथियों से कराता था और श्रीलंका में भी कई ऐसे बड़े बड़े हाथियों के जीवांश मिले, जिसे देखकर सबको यकीन हो गया कि रामायण की कथा सच में रियल थी। नंबर दस, दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी की पूरी लंका ही जला डाली थी और श्रीलंका में एक ऐसी जगह पर काली मिट्टी पाई जाती है जिससे ये पता चलता है कि आज से बहुत साल पहले यहाँ बहुत खतरनाक आग लगी थी। नंबर 11, दोस्तों भगवान राम की तरह ही रावण भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रावण ने उनकी भक्ति के लिए भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया जिसे कल्याणेश्वर मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर में भगवान राम की तरह रावण की भी मूर्तियां बनी हुई हैं और लोग रावण की भी पूजा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आप अपने सवाल हमें कमेंट में पूछ सकते हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।